टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वाल्के हैप्पी होम्स। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हो रही है। बैठक में सरकार की तरफ से आगामी सत्र के लिए अपना एजेंडा रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के बारसूर थाना क्षेत्र में IED विस्फोट हुआ है। इसमें CRPF के 2 जवान घायल हो गए हैं। वे खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज चल रहा है। खराब मौसम के चलते 18 फ्लाइट्स को दिल्ली से जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद और अमृतसर डाइवर्ट किया गया है। सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे के बीच इन फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। बांग्लादेश में भूकंप के झटके लगे हैं। आज सुबह 9:05 पर भूकंप फायर रिश्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 रही। पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर और डिफेंस सेक्रेटरी राधा कृष्ण माथुर के साथ साइबर ठगी हुई है। वे नोएडा की JP विश टाउन सोसाइटी में रहते हैं। 2,28,360 रुपए की साइबर ठगी उनके साथ हुई है। थाना सेक्टर 126 में मुकदमा दायर किया गया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी प्रदूषण का स्तर कल की तरह ही बहुत खराब श्रेणी में है। सफर इंडिया के मुताबिक आज का AQI 364 है। वहीं गुरुग्राम का 328 और नोएडा का AQI 369 है। दिल्ली के कई इलाकों का AQI आज भी 400 के पार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। सोमनाथ मंदिर में वे दर्शन करेंगे। इसके अलावा अमित शाह आज अहमदाबाद और जूनागढ़ में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तमिलनाडु DVIC के अधिकारियों ने ED ऑफिसर अंकित तिवारी से जुड़े मामले के सिलसिले में मदुरई में ED सब जोनल ऑफिस में तलाशी जारी रखी है। बता दें कि अंकित तिवारी को डिंडीगुल में एक डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। सीजफायर के बाद इसराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। इसराइल सेना की बमबारी में गाजा में अब तक 178 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 590 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेलंगाना के कांग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने कहा है कि एग्जिट पोल से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी यहां सरकार बनाएगी। यहां के लोगों को कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा है। BRS यहां के लोगों के लिए कोई विकास नहीं कर पाई है और दिखावे से कुछ नहीं होगा। COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दुबई से भारत पहुंचे। COP28 में उन्होंने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। मानहानि मामले में तेजस्वी यादव पर सुनवाई आज होगी। तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं। इसके विरोध में गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ता हरीश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले सरकार ने यह बैठक बुलाई है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हम महागठबंधन के रूप में यह चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिंदे ने महाराष्ट्र के 45 सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा का चुनाव भी वे साथ में लड़ेंगे और इसे जीतेंगे भी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने NCP प्रमुख और अपने चचा शरद पवार को लेकर शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। अजित पवार ने कहा कि शरद पवार और सुप्रिया सोले को जानकारी थी कि वे लोक सरकार में शामिल हो रहे हैं और उन लोगों की सहमति भी थी। उनका अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना महज नौटंकी था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के 63वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने शुभकामनाएं दे रहे हैं। नड्डा के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे पार्टी JP नड्डा के लगातार प्रयासों से आगे बढ़ रही है। IMD ने पूर्वानुमान लगाते हुए कहा कि दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 तक पूरे भारत में न्यूनतम मौसम सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा, यानी कि इस बार कड़ाके की ठंड महसूस नहीं की जाएगी। इसका विशेष असर भारत के उत्तरी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण तापमान में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। असम सरकार ने नौकरी के बदले नकदी घोटाला मामले में सिविल सर्वेंट के 21 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड किए गए अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों को SIT के सामने पेश होने के लिए समन जारी कर दिए गए हैं। दुबई में COP28 समिट के दौरान इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ली। मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। इस सेल्फी को उन्होंने #melody के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। ये थे आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज़ पर यूँ ही लगातार चलता रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ NBC न्यूज़ पर। नमस्कार।